आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारी जनरेशन का हूं नहीं, पुरानी जनरेशन का हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल की जो लड़कियां हैं ये एक लड़के में क्या एक्सपेक्ट करती हैं, मतलब जब एक जीवन साथी चुनना होता है तो वो क्या क्या देखते हैं एक लड़के में, क्या होना चाहिए? सर वो आपकी लड़कियों का तो पता नहीं मुझे, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पे, जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं और जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जैसे कि सर आप करते हैं, और केयरिंग होना चाहिए सर, जैसे आप परवाह करते हैं सबकी, कभी किसी की कोई मजबूरी हो तो आप उन्हें एडवांस में सैलरी दे देते बिना मांगे, जैसे वो आपने मुझे दी थी। मिस विधि को उनकी सैलरी एडवांस में दे दी। प्रोटेक्टिव हो बिल्कुल आप ही की तरह। वो याद है सर जब ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो आपने कैसे मुझे प्रोटेक्ट किया था सबसे? एक मजाक को इस हद तक लेके जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ क्या हो सकता है? ये विधि को ही क्यों आप लोगों ने टारगेट किया है? और वो फैक्ट्री में भी सर। मुझ पे भरोसा करती हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपने परिवार से जुड़ा हुआ हो जैसे आप है सर। विधि ये मेरी फैमिली से जुड़ी बात है, ये बाहर आ गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, मत बताना किसी को। अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता हो जैसे आपने मानी थी जगराते वाली रात। I'm sorry too, विधि। मैंने तुम्हारी बात सुने, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। प्रॉमिस निभाने वाला होना चाहिए जैसे आप निभाते हैं सर। आज ये कॉफी वाला प्रॉमिस, और उस दिन सर जब मैंने आपको खाओ गली में बुलाया था पार्टी के लिए, उसके बाद आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। तबीयत तो वो मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था इसलिए। ओ आप जो भी कहो सर। और हाँ, ऐसा इंसान जो ना सिर्फ आपकी कमियां बताए बल्कि उन्हें दूर करने का रास्ता भी सुझाए, जैसे आप करते हैं हर बार। याद करने और समझने में एक फर्क होता है, एक बार समझ लिया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो समझदार हो।